मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का रथ फंस गया, जिससे सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लालू प्रसाद यादव के रथ को लेकर प्रशासन के लिए काफी मुसीबत बन गई है, जो हमेशा गांव की पगडंडियों पर फंस जाता है। अपनी राजनीतिक गतिविधियों और आने जाने के लिए आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के लिए एक खास डिजाइन किया रथ तैयार करवाया, जिस पर बैठकर लालू प्रसाद यादव सफर किया करते हैं। रथ को खास तौर पर डिजाइन किया गया और रथ पर पार्टी के स्लोगन और बैनर पोस्टर के साथ इस चुनावी रथ में बीमार लालू प्रसाद यादव की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई बदलाव भी किए गए। लेकिन इस खास डिजाइन और बदलाव ने इस बस को भारी भरकम और बेडौल बना दिया और एक नई समस्या आ गई। समस्या तब हुई जब शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव का ये भारी भरकम रथ गांव की छोटी सड़क में ही फंस गया और बस में सवार लालू प्रसाद यादव को काफी देर तक बैठकर इंतजार करना पड़ा। दरअसल लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के एक नेता के घर जाने के लिए पटना से जंदाहा के लिए निकले थे। पटना से हाजीपुर और स्टेट हाईवे से गुजरते इस बेजोड़ डिजाइन वाले रथ और रथ में बैठे लालू प्रसाद यादव का सफर शानदार दिख रहा था और रथ के साथ लालू के समर्थकों का काफिला भी सरपट भागता दिख रहा था। लेकिन तभी गांव की सड़क पर निकलते ही थोड़ी देर बाद ये रथ रुक गया और उस सड़क को ये रथ झेल नहीं पाया और वहीं पर फंस गया। लालू का रथ रुका तो पूरा काफिला भी रुक गया। पता चला कि एक जगह लालू का ये रथ एक तोरण द्वार में जाकर फंसा और रुक गया। लालू के रथ को बीच में फंसा देख लोग और समर्थक दौड़े तो सुरक्षा कर्मियों की धड़कनें भी थमती दिखी। रथ के आगे पीछे चलने वाले सुरक्षा कर्मी दौड़े भागे पहुंचे और रथ को घेर लिया। फिर शुरू हुआ रथ को गांव की इस छोटी सी सड़क से निकाल कर आगे बढ़ाने की कसरत। कुछ देर की मशक्कत के बाद आखिर लालू का रथ निकला और आगे बढ़ा तो समर्थकों ने राहत की सांस ली। बेशक लालू और लालू का रथ थोड़ी देर के लिए ही फंसा और थोड़ी देर में मशक्कत के बाद आखिरकार लालू का काफिला सुरक्षित निकल गया। लेकिन बिहार में लालू का जो राजनीतिक कद है, वैसे में लालू के रथ का यूं फंसने से कईयों की सांसें अटक गई। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।